अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम करने लगे हैं अपनी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 2 सबक नंबर 1 से। तो चलिए अपनी वर्कबुक खोलिए उर्दू की और डेट मेंशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सफ़ा नंबर 2 उर्दू की वर्कबुक का। सब ने डेट मेंशन कर ली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदरजा ज़ैल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, किसका शुक्र अदा करना चाहिए। बताइए बच्चों, किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने लिखना है। किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है। तो बच्चों बताइए, अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं? नेकी का। आपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, शायर हम में अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा है, आसान अल्फाज में लिखें। 2 से 3 तुलबा मिल के एक ग्रुप बनाएं और एक दूसरे की मदद से इस सवाल का जवाब दें। स्टूडेंट्स, अगर हम स्कूल में होते तो हम डेफिनेटली ग्रुप्स बनाते और ग्रुप एक्टिविटी की तरह करते इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम घर पर हैं तो इस वजह से हम इसको घर पे करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अपनी रीडिंग बुक की हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी रीडिंग बुक की हेल्प से इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपने हमको दोबारा पढ़ना है और आपने देखना है शायर ने क्या दुआ मांगी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने ये दुआ लिखी है, आप रीडिंग बुक के मुताबिक ही लिखेंगे जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें। वो सबकी खिदमत करना चाहता है, वो नेक बनना चाहता है। तो बच्चों, आपने आज के लेसन को अच्छी तरह याद करना है, इसकी रफ कॉपी में मश करनी है और फिर इसे वर्कबुक पर लिखना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।